करते हैं, आपके सामने दंडवत करते हैं स्वामी। इस सुबह के समय में प्रभु जी, इस स्वामी आराधना में तो हमारे साथ रह करके हमें अभी तक आशीष दिया, उसके लिए धन्यवाद। तेरे वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं प्रभु, तू जब तक हमें सहायता और मदद और अगुवाई, और तू जब तक हमें सिखाएगा नहीं, तब तक हम आपके वचन में से कुछ नहीं सीख सकते। पवित्र आत्मा तू हमें सिखा, ताकि हम दूसरों को सिखाने लायक बन सकें। तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में अर्पण करते हैं हम सभी लोगों की अगुवाई कीजिए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन। कृपया हम सब कोई बैठ जाए, सब किसी को जय मसीह की। एक और बार प्रभु यीशु के नाम से आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। प्रभु बला है, प्रभु सामर्थ्य है, प्रभु प्रेमी है, प्रभु दयालु है, उसकी कृपा हमारे जीवन में सदा के लिए है। और उस सदा के लिए कृपा और दया करने वाला परमेश्वर के नाम से इस सुबह के समय में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। लगातार हम परमेश्वर के वचन को, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, इस मुद्दा के आधार पर कई बातों को सीखने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। मैं परमेश्वर को पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज एक उसी मुद्दा के आधार पर एक नए दृष्टिकोण से, नए जो मैं बीते दिनों में दो हफ्ता लगातार क्राइस्ट ड्वेलिंग टेंपल, इस मुद्दा के आधार पर मसीह के निवास स्थान करके मैंने दो हफ्ता प्रचार किया था, लेकिन आज उसको मैं और क्लियर करके एक नए मुद्दा उसी में से, वी आर द क्राइस्ट ड्वेलिंग टेंपल, हम मसीह के निवास स्थान। मैं सीधे सीधे इस सुबह के समय में परमेश्वर के सामने, आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस दो हफ्ता मसीह के निवास स्थान बने, मसीह के निवास स्थान बनो करके जरूर मैं दो हफ्ता प्रचार किया था,
लेकिन मैं आज उस बात की और क्लियर सफाई तौर से कि हम आपके सामने परमेश्वर के वचन को लाना चाहते हैं, प्रभु हमारी सहायता और मदद करें। वी आर द क्राइस्ट ड्वेलिंग टेम्पल, हम लोग मसीह के निवास स्थान हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं फिर कह रहा हूं मुद्दा, वी आर द क्राइस्ट ड्वेलिंग टेम्पल, हिंदी में हम लोग मसीह के निवास स्थान है। मसीह के निवास स्थान कौन है? मसीह के निवास स्थान कहां है? यरूशलेम में एक मंदिर है, पूरा दुनिया भर में मंदिर है, मसीह यीशु के चर्च है, कलीसिया है, बिल्डिंग है, बहुत सारे हैं। लेकिन वो सभी बातों को छोड़कर आप इस सुबह के समय में इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए, वी आर द क्राइस्ट ड्वेलिंग प्लेस, हम सब कोई मसीह के निवास स्थान है। अगर आपको कोई नया आदमी आपके सामने, जब कोई नया आदमी आता है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, क्या उससे आप ये कहेंगे कि आप हमारा चर्च बिल्डिंग में आइए, यीशु मसीह वहां है? ये तो अन्य धर्म और अन्य जाति के लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए वैसा जगह नहीं है। हम अपने अंदर में से, हम खुद परमेश्वर के मंदिर हैं, उस महान प्रभु परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, उस महान पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। इसी के बारे में हम लगातार पहला कुरिन्थियों के पत्र उसके तीसरे अध्याय 16 17 18 पद को पढ़े थे, और इसके अलावा हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसकी 6 अध्याय 19 और 20 पद में हम पढ़े थे। इसके अलावा रोमियो के पत्र उसके पहला दूसरा पद में हम पढ़े थे। इसके बारे में मैं दोबारा पढ़ के सुनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा। तो हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जगह में, चाहे आप काम करने के जगह में, पढ़ने के जगह में, रिश्तेदार के जगह में, किसी गांव में, किसी नगर में, किसी देश में, किसी शहर में, मसीह को जानने वाले आप जब कभी, जहां कभी भी आप जाते हैं, रहते हैं, आते हैं, गाड़ी में सफर करने के समय में, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, या मार्केट में, या कोर्ट में, या कोई जहां लोग इकट्ठे होते हैं वैसा जगह में, जब कभी जहां कहीं भी आप जाते हैं, मौजूद रहते हैं, उस समय किसी एक नए व्यक्ति को देखने के समय, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बताने के समय में, आप क्या ये बोल सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में आके, चर्च में आके देखिए? नहीं, वैसा नहीं है। आप अपने अंदर से उस मसीह को प्रकट कीजिए, बिकॉज वी आर द क्राइस्ट ड्वेलिंग प्लेस। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग, हम जितने मसीह यीशु को अपने दिल में रखे हैं, हम लोग ही मसीह का रहने का स्थान, निवास स्थान। इस बात को समझने के लिए मैं और दो बात को, मैं अभी तक इस संबंध में प्रभु की दया से 5 बात को मैं 2 हफ्ता प्रचार किया था, लेकिन मैं आज 2 बात को प्रचार करना चाहता हूं। लेकिन मुद्दा यही है कि वी आर द क्राइस्ट डवेलिंग प्लेस, हम लोग मसीह के निवास स्थान हैं। इस दृष्टिकोण से सबसे पहले हम का पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री उसकी 3 अध्याय, पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय 24 पद को हम इस सुबह के समय में सबसे पहले हम पढ़ें। पहला यूहन्ना की पत्री उसकी 3 अध्याय 24 पद, उस अध्याय की आखिरी पद है, पढ़ें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। वह उसमें, या कौन? मानने वाला, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है, जो प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जो प्रभु पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को मानता है, वह व्यक्ति, उस इंसान, उस विश्वासी, उस सेवक उसमें है। किसमें है? प्रभु परमेश्वर में है, राइट? और वह उनमें बना रहता है। आपके पास कलम होगा तो अंडरलाइन कर ले, तभी आप समझ पाएंगे। जब तक कोई मसीह इस बात को सही तौर से न समझे, नहीं समझेगा, तब तक वो किसी अन्य जाति व्यक्ति को सही तौर से समझा नहीं सकता। अन्य, क्योंकि अन्य जाति, अन्य धर्म के, मजहब के मानने वाले लोग, वे अपने पवित्र धाम में जाने के बाद ही वे कहते हैं कि मैं मंदिर में पहुंचा हूं। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो,
हमारा मसीह मार्ग में खुद परमेश्वर हमें अपना मंदिर बना करके हम में वो रहना चाहता है, हमारे द्वारा दूसरे लोग जो जीवित परमेश्वर को ढूंढते हैं उनको वो प्रकट करना चाहता है, ताकि उनके अंदर भी वो जा सके, उनके अंदर भी वो रह सके, उनको शरीर को भी वो पवित्र मंदिर बना करके उसमें वो निवास स्थान के रूप में रह सके। ये परमेश्वर का जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, परमेश्वर है, उसकी ये इच्छा और मनसा और इरादा है। मैं साफ तौर से बोल रहा हूं इस बात को, मैं भी समझ रहा हूं कि इस बात को समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो यहां पर एक बात को परमेश्वर का बाइबल धर्मशास्त्र में शिक्षा देती है, वह उनमें बना रहता है और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है। भाई बहन मेरी बात को समझने को कोशिश कीजिए, हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसमें बने रहेंगे, उसकी हर बातों को हम समझेंगे, उसकी हर बातों में हम जो है हम ध्यान देंगे, तो उसकी इच्छा के अनुसार हम चलेंगे, उसकी उसकी मनसा के अनुसार हम अपना जीवन को बदलेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब हम इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन को बदलेंगे, सबसे मेन बात है यहां पर समझने के लिए कोशिश कीजिए, परमेश्वर कब हमारे अंदर आएगा? जब हम उसके अंदर जाएंगे तब ही वो हमारे अंदर आएगा। इन क्रिश्चियनिटी इज टू वे ट्रैफिक, केवल एक तरफ जाने वाला काम नहीं है। परमेश्वर अपना पुत्र को हम पापियों के लिए स्वर्ग से इस संसार में भेजा, क्योंकि वो हमें ढूंढा है, क्योंकि वो हमें बहुत चाहता है, क्योंकि वो हमारे साथ रहना पसंद करता है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है परमेश्वर अपने लोगों के बीच में डेरा लगाता है, परमेश्वर जंगल में नहीं रहना पसंद करता है, परमेश्वर पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करता है, परमेश्वर निर्जन या मरुभूमि में रहना नहीं पसंद करता है, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहना पसंद करता। इससे भी और रिफाइन करके मैं बतलाऊंगा, परमेश्वर लोगों के उनकी सृष्टि जो मानव जाति है उनके दिल में रहना पसंद करता है। आप इससे समझ सकते हैं कि एक बात को मैं यहां क्लियर कर रहा हूं, समझ लीजिए, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर है उसकी क्रिया से वो प्रकट होता है, जिस व्यक्ति के अंदर शैतान है उसके काम काज उसकी क्रिया उन बातों की जिक्र करती है कि इस व्यक्ति में कौन है। आप सारा संसार में इस बात को देख लीजिए, आपके बारे में मैं बोल रहा हूं, मेरे बारे में मैं बोल रहा हूं, मेरे शरीर में जो क्रिया जो काम जो बातें प्रकट होती है वो अच्छा है या बुरा है, या ईश्वरीयता उसमें है या सैतानिक हरकत उसमें है। हम हमारे अंदर से जो भी बातें प्रकट होती है उसमें ईश्वर प्रकट होता है, परमेश्वर प्रकट होता है या शैतान प्रकट होता है। अगर आप, मैं इसको और भी समझा रहा हूं, आपके अंदर से अगर ईश्वरीयता प्रकट होती है आप शांति चाहेंगे, आप प्रेम चाहेंगे, आप ईमानदारी चाहेंगे, आप सच्चाई चाहेंगे, आप वफादारी चाहेंगे, आप विश्वास योग्यता चाहेंगे, आप मतलब और साफ बोल रहे हैं कि आप किसी को धोखा नहीं देंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप में प्रभु नहीं है इन सारे कामों को आप करेंगे, करके आप शैतान की हरकतों को करते हुए उस शैतान को आप अपने में से प्रकट करेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं मेरी सृष्टि अर्थात मानव जाति के अंदर मैं रहूं। इसके लिए एक ही एक रास्ता है, देयर इज नो अदर वे, कि हमें दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। वो क्या है उसी के बारे में ये वचन हमें शिक्षा देती है। क्या शिक्षा देती है एक बार और सुनेंगे, पढ़े, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वह उसमें, वह जो आज्ञा मानता है वो परमेश्वर में और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से अर्थात
उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, उस जो उसने हमें परमेश्वर ने दिया है, हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है, वह हमें बना रहता है। मैं आपसे सीधे एक सवाल कर दूं, इससे आप समझ सकते हैं where you are standing now, what is the present condition, spiritual condition of you. इसके बारे में मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप कहां खड़े हैं, आपके आत्मिक जीवन किस रूप में है, किस दशा में है, अच्छी दशा में है या दुर्दशा में है, इसको आप समझ सकते हैं। कि अगर आपके अंदर परमेश्वर है, मैं आपसे कह रहा हूं आप परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को मानेंगे। अगर आपके अंदर परमेश्वर नहीं है, जरूर आप परमेश्वर को जानते हैं मानते हैं, जानने से मानने से बात नहीं बनती है, परंतु परमेश्वर की आज्ञा हर आज्ञाओं को आपको झुक करके उसको पूरा करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता के सामने आया था यरदन नदी में, तब यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि हे प्रभु आपसे मुझे बपतिस्मा लेना है, आप क्यों मेरे हाथ से बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह एक शब्द को कहता, इसी रीति से परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पूरा करना है, वो मेरे लिए जो आज्ञा दिया है उसको मुझे करना है। अगर प्रभु यीशु मसीह एक इंसान के हाथ से बपतिस्मा लेने के लिए परमेश्वर आज्ञा दिया है, उसको वो पूरा किया है, तब आप सोच लीजिए आपको हमको कितना परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा। मैं एक बिब्लिकल एग्जांपल आपके सामने रख दिया, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को समझने की कोशिश की। सुबह के समय में परमेश्वर हमारे अंदर आने के लिए एक ही रास्ता है कि उसकी आज्ञाओं को मानना है। मैं पुराने नियम से एक बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, निर्गमन की पुस्तक, एक बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक उसकी 19th चैप्टर, ध्यान दीजिएगा निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय, उसमें हम 5 और 6 पद को सुनेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे शरीर में रहने का मकसद, उसकी इच्छा, उसकी योजना, उसकी उस प्रकार रहने के लिए उसका मनसा क्या है, इस तरह क्यों परमेश्वर सोचता है। इसराइलियों से मैं आपके बात को एक बार आपके सामने एक बात को रखता हूं, इसराइलियों के जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार इस काम को शुरू किया था, पढ़ेंगे 5 पद, धीरे धीरे पढ़ेंगे, रुक रुक के पढ़ेंगे। इसलिए यदि तुम निश्चय मेरे मानोगे, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, आपके पास कलम होगा तो बाइबल में अंडरलाइन करते जाइए, अन्यथा आप लिखिए। आप यहां से सुनते हैं चाहे आप कहीं से भी सुनते हैं, आप इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अब यदि तुम निश्चय मेरी बात मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर हमसे क्या डिमांड करता है, उसका अपील क्या है। निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तब परमेश्वर दो बातें यहां रखता है, मुझे मानना है। हम कभी कभी इंसान के बातों के पीछे चले जाते हैं, मामा किसी आ जाएगा, बाबूजी को दुख लग जाएगा, मां बहुत रोएगी, चाचा मेरा रूठ जाएंगे। अरे इन सब बातों को बंद कीजिए, मैं सीधे सीधे प्रचार करना चाहता हूं, अगर ये जीवित सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर आपकी परमेश्वर है, पहले शिक्षा पाइए, सीखिए बाइबल धर्मशास्त्र, वो हमको किस तरह की शिक्षा देता है। बाइबल साफ साफ बतलाती है, तुम मेरी मानोगे। आज हम किसके मानते हैं, दुनिया में बहुत लोगों का आवाज हमें सुनाई पड़ती है, रिश्तेदार हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दोस्त यार हैं, बहुत लोग हैं, काम करने की जगह, पढ़ने की जगह, रहने की जगह, मैं इस तरह बहुत बातों का आपके सामने रख सकता हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रायोरिटी किसको आप देते हैं, सबसे पहले प्रथम स्थान बातों को सुनने में किसकी आप देते हैं, परमेश्वर की या इंसान की। पौलुस से अगर आप पूछिएगा, मैं सभी वचनों को दिखाने में असमर्थ हूं, समय के अभाव में, पौलुस कहता मैं किसको प्रसन्न करूं, परमेश्वर की
या इंसान की? मैं किसका प्रचार करूं, परमेश्वर की या इंसान की? इसलिए उसने कहा है मसीह में मैं मसीह के साथ हूं, मैं मसीह के लिए मरना अच्छा समझता हूं, मसीह मेरा जीवन है, मसीह में मरना मेरा लाभ है, मैं मसीह के साथ हर बातों में वो परमेश्वर को सामने ला करके खड़ा करता, मसीह परमेश्वर पवित्र आत्मा करके उसके जीवन में से हमें सीखने के लिए कच्चा प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन पौलुस तो हमारे जैसा इंसान था, वो इंसान हर बातों में परमेश्वर को माना, परमेश्वर इसलिए परमेश्वर हमसे क्या डिमांड करता उसको समझने की कोशिश की, परमेश्वर हमारे अंदर आने के लिए क्या रास्ता है। निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही, तुमको परमेश्वर एकदम डायरेक्ट एड्रेस करता, तुम ही दूसरा कोई नहीं जो मेरी बात को सुनो, जो मेरी बात को मानोगा मानेगा और जो मेरी वाचा का पालन पोषण करेगा उसी के बारे में परमेश्वर कहता, तब सब दुनिया में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे जाति हैं, बहुत सारे कुल के लोग हैं, बहुत सारी भाषा विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, सब लोगों को छोड़ करके परमेश्वर डायरेक्ट इसराइलियों से बोलता है, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा नीज धन ठहरोगे, नीज प्रजा ठहरोगे, मैं तुमको मेरा करके कहूंगा, मेरी बात को समझने के इस इतना रिश्ता में आपको आना होगा, तब ही आपका शरीर आपका मन आपका दिल परमेश्वर का निवास स्थान बन सकता है। मेरे प्यारों 6 पद को देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार रिश्ता बना रहा है इज़राइलियों के साथ, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे, जो बात इज़राइलियों से कहनी है वे यही है। परमेश्वर मूसा के द्वारा इज़राइलियों से बात करता है, आज जिस तरह हम आपको प्रचार कर रहे हैं, कई हजार साल के पहले परमेश्वर इस बात को मूसा को बोल करके मेरे लोगों को सुना दो, मेरे लोगों को बतला दो, मेरे लोगों को जानकारी दे दो कि मैं उनमें वे मुझमें रहने का इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, मेरे और उनके साथ रहने का जो रिश्ता है इसमें दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसी तरह मुझे मानना है, मेरे आज्ञाओं को पालन पोषण करना है। आज आपके अंदर इच्छा होती होगी कि प्रभु काश मेरे अंदर सर्वदा के लिए जीवित बना रहे, वो भी वही चाहता है, लेकिन उसका रास्ता है उसको मानना है, उसके पालन उसके आज्ञाओं को पालन करना है। तो इस तरह करने से एक बहुत बड़ी बात यहां पर छुपा हुआ है, 6 पद में लिखकर तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, समस्त इज़राइलियों को यह आज्ञा दिया गया है, केवल लेवी गोत्र के लोग जरूर सेवा मेरे लिए करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये जिम्मेदारी सबकी है, इसलिए परमेश्वर यहां कहता है कि मेरी दृष्टि में याजकों का तुम राज हो जाओगे, तुम सब कोई मेरे लिए रॉयल प्रीस्टहुड हो जाएंगे, याजकों का समाज हो जाएंगे, तुम सब कोई भी कुल के क्यों ना हो, जो 12 गोत्र कहते हैं सभी लोगों को परमेश्वर मूसा के द्वारा सूचना दे रहा है, तुम सभी लोगों को मैं रॉयल प्रीस्टहुड समझता हूं, तुम सभी लोगों को मैं याजक समझ रहा हूं, इसलिए मेरी मानो मेरी आज्ञाओं को पालन पोषण करो। ये इसके अलावा परमेश्वर हमारे अंदर आने के लिए दूसरा कोई इससे बड़ा रास्ता नहीं है। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप इसमें स्थिर होंगे, परमेश्वर की हर बातों में मानना है, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। मैं एक भैया को जानता हूं जो मद्रास में रहते हैं, जो बहुत बड़ा धनिक परिवार के वो भी थे, लेकिन उनकी पत्नी की पिताजी, मेरी बात को अच्छा से समझ लीजिए, उनकी पत्नी की पिताजी डायमंड बिजनेस करने वाले, डायमंड हीरा का व्यापारी थे, उन्होंने उनकी पत्नी हिंदू परिवार से प्रभु में आई और इस भैया से शादी की, उनकी ससुराल के सब कोई अभी भी प्रभु यीशु को नहीं मानते हैं, लेकिन उनका ससुर जी अभी उनका मरने का हालात आ गया है, बहुत ज्यादा उम्र दराज हो गए, वो कुछ साल के पहले
अपने पत्नी के द्वारा दामाद से बात करते हैं, क्या कहते हैं, तुम अगर अपना जो नाम है उस नाम को कोई भी दूसरा धर्म के नाम से, जिस धर्म को वो मानते हैं उस धर्म के नाम के अनुसार कोई नाम को रख के कोई रजिस्टर्ड कागज मुझको दिखा दोगे, मैं तुमको 100 करोड़ किया उससे भी मैं कई करोड़ संपत्ति को मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा, ससुर जी बोलते हैं। तो दामाद उसके लिए क्या जवाब दिए मालूम हो, मेरा अच्छा मित्र है, वो मेरे लिए एक भैया के समान भी है। उसके लिए क्या जवाब दिए ना, उनका जवाब को सुनिए, मैं केवल परमेश्वर की बात को सुनूंगा, मैं केवल परमेश्वर के आज्ञाओं को मानूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे भिखारी के रूप में कभी नहीं छोड़ेगा, आप मुझे देखेंगे मेरे ससुर जी, मैं आपको आदर करूंगा लेकिन आपकी बात को नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा तो केवल मेरा परमेश्वर की बात को मानूंगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज वो भैया अभी भी चेन्नई शहर में है, उनकी पत्नी चेन्नई शहर में है, वो दोनों अच्छा से है, और मैं इससे भी बहुत बढ़कर एक बात को बतलाऊंगा, मैं लालच आपको प्रलोभन नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले और परमेश्वर की बात को मानने वाले जीवन में पहला स्थान अगर परमेश्वर के लिए देंगे, उनका आशीर्वाद का एक नापी हम आपको दिखा रहे हैं। उनको दो बेटा हैं, दोनों बेटा अमेरिका में पढ़ाई करके अमेरिका में रहते हैं, वहां भेजने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था, पढ़ाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। मैं समझता हूं दोनों बच्चों को पढ़ा करके इतना दूर तक आने के लिए लगभग 3 करोड़ से ज्यादा पैसा लगा होगा, सभी पैसा परमेश्वर ने अपने दया के भंडार से उस सेवक के बच्चों के लिए दे करके उन दोनों सेवकों को, उनको उनके दोनों बच्चों को परमेश्वर ऊंचे स्थान में रखा है अमेरिका में। और एक बेटा अच्छा बाजा बजाने वाला व्हाइट हाउस में, वाशिंगटन अमेरिका का राष्ट्रपति का जो व्हाइट हाउस है उसमें एक बार एक कार्यक्रम उनको बजाने के लिए मौका मिला है, उसके चलते अमेरिका के सब लोग उस सेवक के बेटा को पहचानते हैं। मैं इसलिए इस बात को आपके सामने रखता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, आपके जीवन में अगर उन्नति नहीं हो रही है आप बैठिए सोचिए क्यों मेरे जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, मैं परमेश्वर की बातों को पहले मानता हूं या इंसान की बातों को पहला स्थान दे करके मानते हैं, किसकी बात को हम सुनते हैं किसकी बात को हम मानते हैं, उस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए मेरी बात, इससे आपकी भलाई होगी। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, परमेश्वर हम में रहना चाहता है, ना केवल हमारे अंदर एक साधारण मामूली रूप से परमेश्वर रहना चाहता है, परमेश्वर हमें हमारे अंदर प्रवेश करके एक याजक के तरह परमेश्वर हमारे जीवन को सजाना चाहता है, हमारे द्वारा परमेश्वर बहुतों को अपने महिमा को प्रकट करना चाहता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूं मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, आप पढ़े लिखे हैं आप अनपढ़ हैं आपको एक ही भाषा मालूम है आपको 10 भाषा मालूम है, इन सारी बातों को छोड़ दीजिए, आपका आप में क्या खूबी है उसको सोचना बंद कीजिए, आपका परमेश्वर में क्या सामर्थ है, आपका परमेश्वर में क्या ताकत है, आपके परमेश्वर में क्या कुवत है, आपकी परमेश्वर में क्या क्षमता है, उसको पहले नापने को शुरू कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, वो परमेश्वर आपको इस संसारिक जीवन में शिरोमणि बनाएगा, ऊंचा स्थान में ले जाएगा, आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को परमेश्वर करेगा, इस बात पर विश्वास कीजिए। नया नियम में एक बात को मैं जोड़ना चाह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह किस तरह हमारे जीवन में आना चाहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 15 अध्याय पहले 10 पद को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 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 15 अध्याय ध्यान से सुनिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 15 अध्याय पहले हम उसमें 10 पद को पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, देखिए प्रभु यीशु मसीह का सुंदर उसकी हमारे बीच की रिश्ता की बात करता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो मेरी प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आज दुनिया में बहुत रंग बिरंग का प्रेम है, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप किस प्रेम के गुलाम है, किसी को पैसा का प्रेम है, किसी को जमीन का प्रेम है, किसी को नौकरी का प्रेम है, किसी को पढ़ाई का प्रेम है, किसी को गर्लफ्रेंड का प्रेम है, किसी को बॉयफ्रेंड का प्रेम है,
किसी के माता पिता का प्रेम है, किसी के भाई बहन का प्रेम है, किसी के रिश्तेदार का प्रेम है, किसी को समाज का प्रेम है, किसी को बहुत इस प्रकार के दुनिया के बहुत प्रकार की, किसी को शराब पीने का प्रेम है, किसी को सिगरेट पीने का, नशाबाजी करने का प्रेम है, इस किसी को गुंडागर्दी करने में अच्छा लगता है, बहुत प्रकार की बातें हैं। लेकिन मैं आपसे सीधे सीधे पूछना चाहता हूं, सचमुच आप अपना शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहते हैं? मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूं, आपका प्यार परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, सबसे पहले किस पर प्रकट होती है, अपना प्यार आपके अंदर से किस पर प्रकट करते हैं? मैं आपको पहले बोल रहा हूं, इस बात पर पहले ध्यान दीजिए, मसीह यीशु इस दुनिया के सबसे ज्यादा हमसे प्रेम किया, इसके चलते हम मानव जाति के पापों को क्षमा करने के लिए उसने क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया। उसके शरीर में ऐसा कोई जगह नहीं था जहां उसको जख्म नहीं किया गया हो, चोट नहीं लगाया गया हो, ऊपर से लेके पांव तक उसका पूरा शरीर एकदम खून से लथपथ हो गए। इतना उसका शरीर में लोगों ने मारा, उतना उसको दर्दनाक वेदना को सहना पड़ा, तो पर भी तो आप इसका निष्कर्ष निकालेंगे, आखिर यीशु में एक भी दोष नहीं था, प्रभु में एक भी पाप नहीं था, प्रभु यीशु मसीह में एक भी गलती नहीं था, आखिर इतना क्यों उसको दुख उठाना पड़ा? मैं आपको जवाब दे रहा हूं, हम पापियों से जो उसने स्नेह किया, हम पापियों से उसने जो प्यार किया, उस प्यार के चलते उसने हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन को इस प्रकार बलिदान दिया है। न देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। न देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मैं माँ का तेरी माते मसीह यीशु क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया है। ये मसीह का प्यार है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप किसकी बात पहले सुनते हैं, आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं? अगर आपका प्यार प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा होगी, आप उसकी हर बातों को मानेंगे, आप उसकी हर आज्ञाओं को मानेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, मैं 10 पद को पढ़ रहा हूं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरी प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसकी प्रेम में बने रहता हूं। आज इस सुबह के समय में उसका प्यार के बारे में थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए कोशिश करें। मेरे पास भी समय नहीं है कि मैं इस प्रचार का आज समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि समय हमारा साथ देगा कि नहीं देगा। 4 पद से लेकर एक बार जल्दी जल्दी पढ़ेंगे उस रिश्ता को समझने के लिए। तुम
तुम मुझे बने रहो, मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रही बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे तुम भी वैसे ही रहो तो वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो जो मुझ में बना रहता जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फल फलता वो बहुत फल फलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं नहीं कर सकते हो। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना और मेरी वचन तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, इसी रीति से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। 9 और 10 पद को भी पढ़ेंगे, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में। देखिए ये आज्ञा है, इट इज नॉट ऑप्शनल स्टेटमेंट। इस बात को समझ ले के करो या तो ना करो, कीजिए या तो नहीं कीजिए, यस या तो नो, इस तरह नहीं करता है। मेरे प्रेम में बने रहे, दिस इज क्राइस्ट जीसस कमांडमेंट, कमांडिंग। वो हमको आज्ञा देता है, मेरे प्रेम में बने रहो। जब तक हम उसके प्रेम में बने रहेंगे तब तक वो हमारे अंदर बने रहेगा। अगर हम उसको छोड़ दें वो भी हमको छोड़ देगा। मैं वचनों को पुराने नियम से दिखा सकता हूँ लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। 10 पद को फिर से एक बार और पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहो, तुम मेरे प्रेम में बने रहो जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। मैं इसकी कंक्लूशन में एक बात को आपके सामने रखता हूँ। मैं समझाने के लिए समय नहीं है, आप भी प्रयास कीजिए परमेश्वर के वचन को समझने के लिए। रोमियो के पत्री उसकी 5 अध्याय परमेश्वर किस प्रकार कार्य करता है उसको आपको समझना जरूरी है। 18 पद से लेकर पढ़ेंगे, 18, 19, 20, 21 तक पढ़ेंगे। इसीलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्य के लिए, आदम के बारे में लिखा, एक अपराध आदम सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ है, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन का निमित्त धर्म ठहराए जाने का कारण हुआ है। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ लिखा है, एक प्रभु यीशु परमेश्वर की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक परमेश्वर ने प्रकट किया है। 21 पद, जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया है वैसा ही हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्म ठहराते हुए राज्य करें। भाई बहन इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, परमेश्वर अपना पुत्र को इस संसार में भेजना ही उस अनुग्रह है। अगर वो चुपचाप से जैसे क्रिकेट मैच फुटबॉल मैच में लोग तमाशा देखने के लिए जाते हैं,
खेल देखते हैं उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, वैसा परमेश्वर अगर चुपचाप से अपना आंख, अपना कान, अपना मुंह, अपने सारे दिल को बंद कर लिया होता, मसीह यीशु को नहीं भेजता इस संसार में, अगर वो मसीह यीशु को नहीं भेजा होता, हम पापियों का दशा और दुर्दशा हो जाता। परमेश्वर का अनुग्रह किस प्रकार पाप बढ़ने वाले संसार में प्रकट हुआ उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसकी अनुग्रह मसीह यीशु के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट हुआ, इसलिए हम पाप से बच गए, अंधकार से बच गए, शैतान के बंधन से बच गए, जो हम सभी लोगों का नाम नरक में लिखा हुआ था उसके यीशु ने अपना लहू के द्वारा मिटा दिया, छुटकारा दिया। उसके बाद आज परमेश्वर हमारा नाम को उस जीवन का पुस्तक जो स्वर्ग राज्य में उसमें लिख करके रखता है। प्यारों, मुझे बहुत बोलने का मन करता है लेकिन समय मुझे सीमित करता, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर का आज्ञा है, ये हमारे लिए जीवन का कारण, अनंत जीवन का कारण बनती है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, जो भी आपके सांसारिक अधिकारी हैं वो आपसे अच्छा काम भी कराते हैं, आपसे गलत काम भी कराते हैं, उससे आपको भलाई होती है, वेतन मिलता है, उसके लिए आप मजबूर होकर करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो हमारा अनंत काल का अधिकारी पिता और परमेश्वर हमारा सब कुछ है, वो हमसे कभी भी गलत काम नहीं करवाता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, अगर मेरे अंदर यीशु है मैं सिगरेट नहीं पी सकता हूं, मेरे अंदर अगर यीशु है मैं शराब नहीं पी सकता हूं, मेरे अंदर यीशु है मैं गलत काम नहीं कर सकता। यही बात आपके लिए भी है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप उसके संगति में, उसकी आज्ञा में, उसके प्यार में, उसके हर बातों को मानने में अगर आप बंद रहेंगे, मैं ताल टोक करके बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपके अंदर रहने में कोई तरह का उसको दिक्कत नहीं है। नंबर 7, आज दूसरी बात मैं बोलूंगा करके बताया था, सेकंड बात दूसरी बात तो बता रहा हूं मैं, लेकिन तीन इस सप्ताह से लगातार 3 हफ्ता का प्रचार आप सुनेंगे, ये 7वीं बात है। राइट, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय, परमेश्वर हमारे अंदर रहना किस प्रकार वो पसंद करता है, क्या उसके लिए तरीका है। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय 3:20 को हम देखेंगे, पढ़ेंगे। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह का बयान है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आने का, हमारे अंदर रहने का वो रिश्ता की बात यहाँ करते हैं। दुनिया में सब कोई पाप करते हैं, सबने पाप किया और परमेश्वर से रहित हो गया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, परमेश्वर के घर से रहित हो गया, परमेश्वर की संगति से रहित हो गया, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर उस बात को जरूर कहा था, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है जरूर कहा था, लेकिन पापियों को बचाने के लिए उसने रास्ता ढूंढा। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर हम पापी लोगों के बीच में मध्यस्थ बनाया, मीडिएटर। तो उस कारण प्रभु यीशु मसीह को संसार से परमेश्वर इस दुनिया में, स्वर्ग से परमेश्वर संसार में भेजा। यीशु इस संसार में आने के बाद मध्यस्थ का जो काम है, बिचवाई का जो काम है, बहुत सुंदर ढंग से किया है। उसके चलते हमारा आपको परमेश्वर का हाथ के साथ पकड़ के जोड़ दिया है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, इस कारण प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमारे साथ रह करके परमेश्वर के साथ इस संसारिक जीवन बिताते हुए स्वर्ग के नागरिकता और स्वर्ग के साथ हमें किस प्रकार जोड़ता है, इन दोनों बातों को यहां पर हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आना चाहता है। आप यीशु को जानते या मानते या नहीं जानते उससे मतलब नहीं है। यीशु उद्धार करता है,
यीशु पाप की क्षमा करने वाला है, प्रभु यीशु शैतान के बंधन से हमें छुड़ाने वाला है, प्रभु यीशु शांति का राजकुमार है, प्रभु यीशु हम दरिद्र लोगों को आशीर्वाद देने वाला प्रभु है, प्रभु यीशु हमें हमारे जीवन के सभी श्रापों से हमें छुटकारा देने वाला प्रभु है, प्रभु यीशु हमारे जीवन का मुक्तिदाता है, इसलिए यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करती है। वजह यीशु ही हमारे पापों को क्षमा करने का अधिकार रखता है। मर के जब जी उठा तब उसने कहा, आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए आज आपसे मैं कह रहा हूं, आप प्रभु यीशु को अभी तक नहीं जानते हैं, एक बार भी अगर यीशु के बारे में नहीं सुने हैं, मैं आपसे कह रहा हूं वही प्रभु यीशु आपके जीवन का उद्धार करता है, वही प्रभु यीशु आपके जीवन में अनंत जीवन देने वाला, वही प्रभु यीशु आपकी तमाम श्रापों को मिटाकर आपको आशीर्वाद के अंदर ले आने वाला प्रभु है। इसलिए आप पहले उस प्रभु को अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपके परिवार आपके रिश्तेदारों को जरूर इस प्रभु के बारे में समझाइए, बतलाइए, प्रचार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहना चाहता, देख मैं इस द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, दरवाजा की बात नहीं करता है, हमारे दिल की दरवाजा की बात करता है, खटखटाता हूं कि यदि कोई मेरा आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ बैठकर भोजन करूंगा, वो मेरे साथ रहेगा। वो खटखटाता है, पुकारता है, प्यार से बुलाता है। जब क्रूस पर यीशु मसीह को लटको बचाने का वो प्यास में था, अब पापियों को उद्धार करने के लिए उसका अंदर प्यास था, इसलिए वो सुक्रूस से कहता है, मैं प्यासा हूं। ये नहीं, क्यों? वो हमारे अंदर आना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ मिल करके रह करके हमारे द्वारा अपना नाम की महिमा करना चाहता है, हमारे जीवन को भी रोशन करना चाहता है। मैं एक दो वचन को भजन संहिता से सुनाना चाहता हूं, भजन संहिता उसकी 16 अध्याय है, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। भजन संहिता उसकी 16 अध्याय 18 पद को हम पढ़ेंगे, 16 का 18, भजन संहिता उसके 16 अध्याय का 18 पद, 8 पद, सॉरी, भजन संहिता उसकी 16 अध्याय 8 पद को पढ़ेंगे, 16 का 8। मैंने यहोवा को निरंतर, देखिए यहाँ पर भजनकार कहता, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा, अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ, इसलिए कि वो मेरा दाहिना हाथ है, मैं कभी भी न डगमगाऊंगा। देखिए कितना सुंदर बयान है, जब कोई किसी के अंदर परमेश्वर रहता है उसकी बयान इसी तरह की होती है, उसकी बोली इसी तरह की होती है, उसकी बातचीत इसी तरह की होती है, वो संसार का बल को लेकर के नहीं बोलेगा, जबकि ये दाऊद राजा है, लेकिन वो अपना जरूर वो शूरवीर भी था, जरूर उसके पास तलवार था, जरूर उसके पास एक बड़ी सेना थी, लेकिन उन सारे ताकतों को लेकर के नहीं बात करता है, वो क्या बात करता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, मैं अपने साथ रखा हूं, परमेश्वर को साथ रखा हूं, तलवार बड़ी सेना बड़ा सिंहासन इज़राइल नाम का जो बड़ा राज्य है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा सबसे पहला मतलब आपके अंदर परमेश्वर अगर रहेगा, आपका सबसे पहला मतलब परमेश्वर ही रहेगा। इस व्यक्ति से सीखिए, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है इसलिए कि वह मेरा दहना हाथ रहता है। कितनी बड़ी बयान है, आज दुनिया में कुछ देश ऐसी बर्बाद हो रही है, उसका कारण उस देश को चलाने वाले अपने दिमाग से देश को चलाना चाहते हैं, उसके चलते वो देश बर्बाद होते जा रहे, दुनिया भर में कुछ देश इस प्रकार बर्बाद हो चुकी है, चलाने वाला अगुआ अपना दिमाग से देश को चलाना चाहता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये देश को चलाने वाला व्यक्ति ये कहता, परमेश्वर मेरा दाहिना हाथ है, मैं परमेश्वर का अपना दाहिना हाथ मानता हूं, इसलिए मैं कभी भी डगमगाता नहीं, मैं कभी भी कहीं भी डगमगाऊंगा नहीं। एक और बात कभी पढ़ेंगे, भजन संहिता 145 अध्याय, भजन संहिता उसके 145 अध्याय उसमें 18 पद को पढ़ेंगे, भजन संहिता 145 का 18,
जितने जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों को वह उन सबों को वो निकट रहता है। भाई बहन अगर आप सच्ची दिल से अपने परमेश्वर को पुकारेंगे वो निकट नहीं आपके दिल का अंदर आएगा। आज आप उस प्यास और भूख के साथ उस परमेश्वर को पुकार के देखिए वो आपके निकट में आता कि नहीं आपके अंदर आता कि नहीं। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं सुबह के समय में परमेश्वर के नाम से आपसे कह रहा हूं पुकारिए उसका नाम लेकर के पुकारिए। जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं व्यवसाय में बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आमदनी आपको काफी नहीं हो रहा है क्या कर्जे लेकर के परिवार चलाते हैं। मैं आपसे कह बीमार है कष्ट में है अशांति में है इन सारी बातों का एक ही जवाब है आप उस महान परमेश्वर को पुकार के देखिए वो आपके निकट में आएगा। एक और वचन समय ज्यादा वो नहीं के चलते मैं तेजी में बोल रहा हूं यिर्मयाह की पुस्तक है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23:23 यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23:23 बुक ऑफ जेरेमिया 23:23 यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ एक बार और पढ़ेंगे यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। परमेश्वर हमारा निकट रहता हम ही उसको छोड़ के भागने के लिए कोशिश करते हैं। इसका वजह संसारिक बातें संसारिक मोह माया संसारिक अभिलाषाओं की शारीरिक अभिलाषा आंखों की अभिलाषा जीविका के घमंड के चलते हम उसको छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। वो तो हमेशा हमारा साथ हमारे नजदीक में रहना पसंद करता है। मैं नया नियम से एक बात को आपको बतला करके प्रार्थना करना चाहता हूँ ध्यान दीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय के बाद में पढ़ेंगे अभी समय नहीं है। वहां पर एक लड़का के बारे में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत सुनाता है वो क्या कहना चाहता है लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 15 अध्याय आप 9 पद से लेकर पढ़ते जाएंगे उसके आगे आप पढ़ते जाएंगे वहां पर तीन दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह बतलाता है। एक खोया हुआ बेड के बारे में प्रभु यीशु मसीह बतलाता है एक खोया हुआ सिक्का के बारे में प्रभु यीशु मसीह बतलाता है एक खोया हुआ पुत्र के बारे में प्रभु यीशु मसीह बतलाता है। मैं फिर से सुना रहा हूं दरअसल ध्यान से समझ लीजिए 15 अध्याय लूका में तीन बात को प्रभु बतलाता एक खोया हुआ बेड एक खोया हुआ सिक्का एक खोया हुआ पुत्र उस पुत्र के बारे में आपको बतला रहा हूं वो अपना पिता को छोड़कर भाग गया था। ध्यान दीजिए भागने के बाद संसार के पापों में उलझा रहा उसी में फंसा रहा जिंदगी को समझा नहीं परमेश्वर उसको बहुत चाहता है उसका पिता उसको बहुत चाहता करके वो नहीं समझ रहा था। मैं आपको एक बात बतला रहा हूं जब वो अपने पिता से लड़ करके अपने हिस्सा का पैसा मांगा था आप सोच सकते हैं उस पिता को पैसा नहीं देना चाहिए था नहीं आप गलत सोच रहे हैं उस पिता को पैसा देने के चलते ही उस लड़का को दुनिया भर जा करके नापी करके देगा सही और सच्चा प्रेम हमको कहां मिलेगा तब उसको समझ में आया उसके पिता के जैसे उससे प्यार करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। मेरा पिता अभी भी ऐसा है मैं अगर मन फिरा करके खुले दिल के साथ मेरा पिता का पैर पर जाके गिरेंगे मैं गिरूंगा मेरा पिताजी मुझे पकड़ करके गले लगा करके मुझे वो ग्रहण करेगा। ये बात उसको कब समझ में आया मालूम पिताजी उसके हिस्सा मांगने के समय में हिस्सा दे दिया ले जाओ बेटा अगर आप ओरिजिनल है आप किसी को भी अपने से जाने के लिए अनुमति देंगे जाओ दुनिया में जाकर के नापी करो दुनिया में तुमको सच्चा प्यार कहां मिलता है जहां मिलता वहीं रहना बेटा मिलेगा ना मिला है इसके चलते उसका पुत्र वापस लौट के आता है। जब पिता उसके इंतजार कर रहा था दूर से देख लिया दौड़ पिताजी बेटा को देखने के बाद बेटा जितना दौड़ा था उससे ज्यादा पिता दौड़ करके उसे रास्ता में जाके गले लगाया चुमा दिया अंगूठी पहनाया नया वस्त्र दिया नई जूती दिया और घर में जश्न मनाया गांव वालों को बुला करके सबको दावत दे करके खाना खिलाया
मैं आपसे कह रहा हूं, एक पापी मन फिराने से स्वर्ग में हमारा पिता परमेश्वर और दूत गणों के साथ वो आनंदित और मगन होता है। आज इस रिश्ता के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। आज बहुत लोग इस रिश्ता के बारे में न समझने के चलते मसीह को जानते हुए संसारिक धोखा वाला प्यार में, कपटी वाला प्यार में फंस गए, उस बंधन में जाकर के अपने आप को खुद बांध करके अभी बाहर आने में असमर्थ है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आप पुकार करके, यीशु मेरा प्रभु, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मुझे छुड़ाइए इस बंधन में से, मैं बाहर आना चाहता हूं, मुझे आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपके रिश्ता चाहिए, मेरे अंदर आइए प्रभु, मैं मन फिराना चाहता हूं, अपने लहू से एक बार धो करके मुझे शुद्ध कर दीजिए करके एक बार पुकार करके देखिए। मैं आपसे दावा के साथ कहता हूं, आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कि उसकी आत्मा आपके अंदर आके आपके जीवन को बदलते हुए, क्या आप तैयार हैं? उस प्रभु आपसे मिलना और आपके अंदर रहना पसंद करता है। हमें कभी कभी ना समझने के चलते उस प्रभु को चोटे मारते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, इस रिश्ता को समझने की कोशिश कीजिए। वी आर द क्राइस्ट डवेलिंग प्लेस, हम लोग मसीह के रहने का स्थान है, वो हमारे अंदर रहना पसंद करता है। क्या तुम्हारे अंदर मसीह को रखना पसंद करते हो, या ये सोचते हो मसीह मेरे अंदर आ जाएगा, हम तो गलत काम नहीं कर सकते हैं, फोन को, मोबाइल फोन का गलत ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, गलत सिनेमा नहीं देख सकते हैं, गलत बात नहीं बोल सकते हैं, गलत काम नहीं कर सकते हैं, गलत दोस्तों के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए जो जीवन दिया है वो मसीह यीशु बड़ा है, या इस संसार में जो आधा रास्ता में छोड़ के जाने वाले लोग हैं वे आपके लिए बड़े हैं, निर्णय तेरा है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। अगर आप समझते हैं, कहते हैं कि वी आर सच रियली, इट इज रियली गॉड्स ट्रूथ एंड बिब्लिकल ट्रूथ, वी आर द रियल क्राइस्ट जीसस डवेलिंग प्लेस। आप अगर इस बात को समझते हैं, सच, ये बात सच है, हर तरह से मानने के योग्य बात है कि हम लोग ही मसीह यीशु के रहने का स्थान, वो हमारे ही अंदर रहना पसंद करता है। अगर आप इस बात को मानते हैं, अपने जगह में खड़े हो जाइए, चाहे आप यहां रह करके सुने, चाहे बहुत दूर दूर में रह करके आप सुने हैं, चाहे आप विभिन्न जगह के लोग जहां से भी आप सुने हैं, या जब कभी आप सुनेंगे, अपने जीवन को परमेश्वर के वेदी पर अर्पण करते हुए प्रार्थना करें। आइए हम अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। दयालु जीवित महापिता परमेश्वर, तेरे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू हमारे अंदर रहना चाहता है, तू हमारे साथ रहना चाहता है, तू हमारा दाहिना हाथ बनना चाहता है, तू हमें डगमगाने से रोकना, बचाना चाहता है। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं, तो हमारे एक ऐसा प्रभु है, हम जब कभी आपको पुकारेंगे, पुकारने वालों को उत्तर देने वाला प्रभु यीशु मसीह ना केवल उत्तर देता है, तो हमें बंधनों से छुड़ाता है, तो हमें अंधकार से बचाता है, तो हमें शैतान के हाथ से छुड़ाता है। हम आपको धन्यवाद करते हैं, तू निरंतर हमारे अंदर रहना पसंद करता है। हम इस बात को रहते हुए, इस बात को जानते हुए, समझते हुए परमेश्वर पिता, हम तुझको मानने, तेरी बातों को मानने और तेरी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए हम सबको अपने जीवन को तेरे वेदी पर समर्पण करते हैं। हमें स्वीकार कीजिए, हमें और आपके साथ मिलकर के आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर ले पिता, आमेन आमेन।